डियर स्टूडेंट्स तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है क्या कोई ऐसा तरीका है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का फर्स्ट चांस में आपका क्लियर करवा दे सीधे आप लबासना पहुंच जाए इज देयर एनी श्योर शोर्ट वे टू मेक योर वे टू लबासना अब हम देखिए करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस

वो मेरे चालीस साल के तजर्बे के बेस पे और अपनी अकेडमिक एक्सलेंस जो मेरा पेपर सेटिंग का तजर्बा है एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैंने ये पंद्रह क्वेश्चन निकाले हैं तो आप बने रहिए वीडियो में पूरे अब ये दो हजार तेईस का एक क्वेश्चन देखिए इंडिया चाइना एग्रीकल्चर को कंपेयर किया गया है आपने इसका आंसर पता है क्योंकि आप बहुत बार कर चुके हैं लेकिन अब इसकी बैकग्राउंड देखनी है ये क्वेश्चन आया क्यों ये देखिए इसमें तीसरा जो ऑप्शन है ये हमें सबको पता होता है कि हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी सीरियल्स की दूसरी क्रॉप्स की चाइना से बहुत कम है लेकिन एज एग्रीकल्चर साइंस तो मुझे पता है कि भाई हमारा इरीगेटेड एरिया भी हमारा प्रोपोर्शन उनकी फोर्टी टू परसेंट है बट ये क्वेश्चन एक सिंपल जो बीकॉम है बी ए है या इंजीनियरिंग से वो कैसे करेंगे उसके लिए देखिए अब ये आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है और इस तरह का ही क्वेश्चन दो हजार चौबीस में आएंगे अब इस पे हमने सोचना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया ये हिंदू और एक्सप्रेस में डिस्कस हुआ है दो फरवरी दो हजार तेईस में ये न्यूज आई है फिर आगे देखिए आप इंडिया कैन लर्न एग्रीकल्चर पॉलिसी लेसन फ्रॉम चाइना ये पूरा आर्टिकल आया है फिर आगे देखिए आप इसमें जो है इसका आंसर है इस आर्टिकल में पूरा आंसर है इसका तीनों जो कवर किए हैं ऑप्शंस अब इसके बाद ये आप देखिए अब जब ये आप पढ़ लेंगे ना न्यूज उसके बाद आपका तो था कितना मुश्किल क्वेश्चन एक मिनट में इजी हो गया जब आपको ये पता चला कि ये तीन चार न्यूज आई है ना केवल तीन चार बल्कि पांच आर्टिकल मैंने बहुत बार आर्टिकल इसके पढ़े हैं दो हजार बाईस और तेईस में और ऐसे मेरे पास हजार से ज्यादा क्वेश्चन हैं जो कि आम बच्चे के लिए इम्पोसिबल है अटेम्प्ट करना इस तरह के उनको बड़े टफ लगेंगे टफेस्ट लेकिन

ये जो है न्यूज पेपर की जो मेरी अप्रोच है क्रिटिकली रोजाना पढ़ने की तीन घंटे फिर उसका एनालिसिस करने की फिर क्वेश्चन निकालने की वही अप्रोच काम करेगी दो हजार चौबीस में ठीक है तो ए, आई से मैं रोजाना वीडियो में आपको ना कई बार कहता हूँ ये ये यूपीएससी के एग्जाम में है ये हंड्रेड परसेंट आएगा आपके प्रिलिमरी में ये मेन में आएगा फ्रेम करके देता हूँ इसके बहुत ज्यादा चांसेज हैं ये क्वेश्चन बैंक में है इसका मतलब आप उसको समझिए वो दस दस पंद्रह पंद्रह बार फ्रीक्वेंटली न्यूज आती है उसकी तब जो है मैं उस क्वेश्चन को लेके आता हूं इस तरह से ट्रेंड चेंज जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होगा ना आपका वैसे वैसे आपका मजा आएगा छब्बीस मई को जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उतना ही आपको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आप न्यूज पढ़ रहे हैं मेरे साथ अब ये एक क्वेश्चन देखिए कोंगो बेसिन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कोंगो बेसिन ये क्वेश्चन भी आपने बताया बड़ा डिफिकल्ट है दूर से बड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन इसकी इतनी न्यूज है मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने बहुत आसान डाला है इससे भी मुश्किल डाल सकता था मैं आगे दिखा देखिए इसमें एक एक पूछा इन्होंने कंट्री का नाम सिर्फ कैमरून का नाम पूछा है इसका मतलब आपने पहले मैप देखा हुआ देख आप देखिए मेरे थंबनेल में देखिए कितने मैप लगाता हूँ मैं वर्ल्ड मैप हर एक जो लोकेशन जो भी इंटरनेशनल होती है उसका साथ में मैप जरूर लगाता हूँ जैसे मान लिया कोंगो बेशन आ गया अमेजन बेसिन आ गया कोई भी आ गया मैं आपको जो है मैप लेके आता हूँ अब ये क्वेश्चन मान लिया जाम ने ये पूछा होता चार उसके जो है छो बेसिन में छह कंट्री है मान लिया पांच कंट्री दे दें दे आपको दो जो है दूसरे दे देते दे तब आपके लिए और मुश्किल हो जाता इसलिए मैं कहता हूँ मैप देखना जरूरी है जैसे अमेजोन बेसिन का मैं बार बार बताता रहा आपको पिछले वीडियो में कौन कौन से कंट्री हैं अब ये इस तरह से जुलाई 2022 में कोंगो बेसिन पे और उसके आसपास रोजाना आर्टिकल आते रहे मोंकि पोक्स कोंगो बेसिन में इवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ रिपब्लिको में कैमरून में ये रोजाना आते रहे न्यूज पेपर में इसलिए जो ना और आपने नोट किया होगा साइंस पेज पे संडे को उस साइंस पेज पे जो दूसरे दिन लास्ट पेज आता है जो दिल्ली एडिशन का उस पर ये आर्टिकल आते हैं और एफ में आते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल दो हजार चौबीस के लिए आपको दिए हैं तो इस क्वेश्चन से यह निस्कशन निकलता है कि जब भी मैं आपको वीडियो में मैप लेके आता हूं तो आपने उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना उस मैप का और सारी लोकेशन याद करनी है कंट्री कौन से बॉर्डर कर रहे हैं तो अगेन दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी इन माय व्यू यदि आप मेरी स्ट्रेटी से चलते हैं तो अब ये क्वेश्चन देखिए आप दो हजार तेईस का क्वेश्चन है दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया देखने में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगता है ये साइंस पेज पे आया है और ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने इसलिए दिया है क्या आप न्यूज पढ़ते हैं ये आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा आप उठा के देखना मैगज़ीन कोई भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको इसलिए आपको मुश्किल लग रहे थे क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन मैगजीन में नहीं आया या मंथली चौदह फरवरी दो हजार तेईस में साइंस पेज पे था हिंदू में और उसपे जैसे आपका कंगारू है कोयला ये सारे जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के थे हमारे यहाँ के नहीं था ये तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद यह क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आप रोजाना नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ है। अब ये इन्वेजिव स्पेसी स्पेशलिस्ट ग्रुप है ये आई यूसी न्यूज पेपर में हंड्रेड स्पेसी रिलीज की थी आई ने वहां से क्वेश्चन आया है वो न्यूज में रोजाना आता रहा देखिए इस तरह के मैंने दो हजार चौबीस में बहुत लेके आया हूँ मैं आपको तो बताऊंगा आगे अब ये देखिए साइंस पेज पे हिंदू में दस दिसंबर दो हजार बाईस में आया इन्वेजिव स्पीशीज पे फिर ये जो है वेम्बा नाड फिश पे आया है आर्टिकल अट्ठाईस मई 2022 में उसमें भी इसका जिक्र किया है इनवेजि स्पीशीज का आई ने फिर आप ये देखिए जुलाई जून चार को आया है आर्टिकल इसमें आपका जो है कोई कोयम्बूर का आर्टिकल था ये स्मार्ट सिटी मिशन पे उसमें ना ये हंड्रेड उन्होंने मेंशन किया है हंड्रेड स्पीशीज दी है इन्वेजिव आई ने और इसमें लेंटा ना कैमरा भी थी सफिन अटिल कोला भी थी एग्जामर तो जो ना इसमें से क्वेश्चन निकालता है न्यूज पेपर में से ये तो आपने आप देख लिया अब नेक्स्ट देखिए भाई तो ये क्वेश्चन जो ना पांच आए हुए हैं इंडियन स्क्वाइल्स इस तरह के क्वेश्चन आपके पांच क्वेश्चन आए हुए हैं वाइल्ड लाइफ पे और मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दी बिल्कुल इसी पैटर्न पे मान लिया आपके दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके चार नंबर हो गए उनमें से आएंगे क्योंकि मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है ना मैंने यूपीएससी का एग्जामिनर बनके की है जैसे मैं एग्जामिनर हूँ

मतलब एक ये देखिए इस बार जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ इस बार फ्री मूवमेंट रिज्यूम है मैं भारत और इंडिया का उसके आर्टिकल कम से कम बीस पच्चीस बार आए हैं मान ली वो एग्जाम में आता है वो आपको तो डिफिकल्ट लगता है तो इसका मतलब आपने न्यूज पेपर को क्रिटिकली नहीं पढ़ा है तो देखा ही नहीं न्यूज पेपर को अब ये देखिए आठ अगस्त दो में हमारा बिल पास उसमें आए हैं न्यूज आई है हिंदू में जब बिल पास हुआ फिर इक्कीस दिसंबर दो में आया इसको इस न्यूज आती रही इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में अब ये क्वेश्चन दोनों में, में हुआ ऐसे क्वेश्चन और हिंदू में जो है एडिटोरियल में आपको ध्यान होगा अशोक गुलाटी के आर्टिकल इस तरह के बहुत आते हैं और इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस पेज पे आते हैं तो इसका आंसर तो आपको पता है अब लेकिन ये आते क्वेश्चन कैसे एग्जाम में कहा से लगता है क्योंकि ये मैं बताइए मैं बताता हूँ आपको एक एग्जामिनर एक के पास पेपर सेट होने के गए यूपीएससी का मेरे जहा तक नॉलेज है मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ मान लिया वो कहते हैं दिसंबर में जो ना हमें पंद्रह क्वेश्चन भेजिए दस क्वेश्चन भेजिए एक एग्जामर एक को कहते हैं या बीस क्वेश्चन भेजिए वो दिसंबर के भेजेगा न्यूज में से फिर किसी दूसरे एग्जाम में प्रोफेसर पर जाएगा वो जनवरी के भेजेगा कोई नवंबर के भेजेगा इस तरह से जो है वो यूपीएससी अपना क्वेश्चन बैंक बढ़ाती है

जो है एग्रीकल्चर इकन हाउ डबलिंग ऑफ द फार्मर इनकम इज पॉसिबल इवन मैन स्मॉल गुलाटी के हर साल आता है एमएसपी पे किस क्रोप का एमएसपी है किसका नहीं है ये चौबीस पच्चीस क्रोप है खरीफ रबी की आपने सारी याद करनी है किस किस का एमएसपी है एमएसपी पर जब भी जो है दो हजार चौबीस के लिए जितने भी में डिटेल में इसको किया है जो भी क्रोप आई है पल्सी जो पल्सी जोल जोल सीड सीड आपके चार पांच साल से क्वेश्चन ही आया इस बार आ सकता है ड्राई लैंड फार्मिंग पर आ सकता है मैं कितना है? बरीके से डिस्कस करता हूँ उनको ये भी न्यूज में आया है तभी इन्होंने जो ना एग्जामिनर उसको लेके आया एग्जामिनर हमेशा न्यूज को कंसल्ट करके ही पेपर बनाता है अपने नॉलेज से नहीं बनाता कभी भी अब ये क्वेश्चन देखिए कितना मुश्किल लग रहा है यू ओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन वाकई मुश्किल है यदि ये न्यूज पेपर, पेपर में नहीं आता तो ये न्यूज पेपर में फ्रीक्वेंटली आया है देखिए न्यूज पेपर की इसमें देखिए नौ मई दो हजार बाईस को इसका मतलब आपने एक मई दो हजार तेईस से पूरे करने न्यूज पेपर तब ये आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब ये मैं पिछले दो ढाई महीने से जब से वीडियो बना रहा हूं मर्करी पोल्यूशन आपके ग्रीन हाउस गैसेज हर तरह से किस इंडस्ट्री से कौन सा पोल्यूशन निकल रहा है अंटार्कटिका में जहां भी जो है ग्लेशियर क्यों मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से ये सारे जो है मैं लेके आता हूँ आपके पास कोई नहीं छोड़ता न्यूज पेपर में अब ये गोल्ड माइनिंग पे मैंने पढ़ा हुआ है मर्करी पॉल्यूशन होता है जैसे और कोल बेस्ट का तो मैंने दिया है अपने वीडियो में कि इससे भी मर्करी पॉल्यूशन है ठीक इस तरह का जो है एक इंडस्ट्री का जरूर पूछता है ये हर बार ये न्यूज पेपर में आया है इसके कई आर्टिकल आए ये साइंस पेज पर मैंने बताया आपको साइंस पेज जो है आपके लिए और एफ पेज हिंदू का और एक्सप्लेन पेज इंडियन एक्सप्रेस का ये आपकी जो है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ ग्रेजुएशन में जाने का तीनों पेज है ये मान के चलो और मेन के लिए और बाद में प्रसिलिटी टेस्ट के लिए अब ये क्वेश्चन अठारह में दो हजार तेईस के उसमें लेके आया हूँ अपने नोट्स में आपकी वीडियो में ये मुझे नहीं पता था दो हजार तेईस बाईस में आए हुए मेथड ऐसे जो भी क्वेश्चन है ना नई कंसेप्ट आते हैं वो एग्जाम है। क्या है कि मिड है, है, है।, तो है? वायरस जो जो समझ लीजिए जैसे मान लिया डेंगू का है चिकनगुनिया का है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाता मच्छर फिर उमन में फीमेल जो होती है ठीक है ना तो यदि हम वोलबेचिया जो है बैक्टीरिया उसमें इंसर्ट कर दें वाइट उसमें वाइल्ड मॉस्किटो से जो ये डोमेस्टिक मॉस्किटोज है तो ये वॉलबेचिया क्या करेगा बैक्टीरिया उनको ना वो, वो कर देगा। सुप्रेस कर देगा और डेंगू नहीं फैलेगा तो ये नई जो कंसेप्ट आती है ना ये बहुत बार आया है साइंस पेज पे आपने पढ़ा नहीं क्योंकि मंथली मैगजीन में, में कई बार स्किप हो जाते हैं इस तरह के तो नई चीज होती है ना जो नई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसलिए कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे निकालता है एग्जाम ये बताता है वॉल ये देखिए आर्टिफिशियल डाइट ये साइंस पेज पे हिंदू में ठीक है फिर तेरह अगस्त को फिर आइए देखिए साइंस पेज पे और 2023 में भी जो है मैं निकाल के ले आया अपने नोट्स में लिया नोट बेचिया फिर आर्टिकल आया दोबारा अब ये नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन आपका स्टॉक मार्केट से उससे भी से आएगा क्यों आएगा क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मार्केट है ये इकोनॉमी इस पर डिपेंड करते क्योंकि एफ जो है सारा पैसा यहाँ लेके आती है यही है हमारा स्टॉक मार्केट है तो बीटा स्टॉक्स मुझे ये है बार बार आता है कई बार न्यूज पेपर में कि भी जो जो ना बड़े जो ना जल्दी बढ़ते हैं बड़े जल्दी जो ना गिरते हैं जिनमें मतलब इस बार मैंने जैसे टी सेटलमेंट का लेके आया ये आपका ई लिखा होता है लेफ्ट में एक आर्टिकल आता है जनरली इंडियन एक्सप्रेस में या बिजनेस पेज पे

यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली लिखा है ना इसका ना दो हजार बाईस तेईस में हुआ ये शुरू में हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन उसका नाम है जी अब ये जी इस तरह के मैंने ना कम तो से कम पचास साठ कंसेप्ट दिए आपको दो में जो चौबीस में आएंगे एग्जाम में ये भी जो है फ्रीकवेंटली डिस्कस हुआ है न्यूज पेपर में अब ये देखिए 28 दिसंबर 2022 में आया है फिर जो है अक्टूबर 24 2022 में आया है इस पे आर्टिकल अब ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे आसान था आपका और बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा जो 2022 के जितने क्वेश्चन है सो उनमें सबसे आसान था क्योंकि ये ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 बार न्यूज़ में तो मैंने पढ़ा है चार्ट गिनिया माली सुडान इनमें मिलिट्री कूपई थी ठीक है अब जो है इस साल जैसे नाइजर का बार -बार आ रहा है बार-बार आ रहा है कम से कम बीस पच्चीस आर्टिकल पर मैंने पढ़ लिए मिलिट्री इको मिलिट्रीपे ने उनको वार्न किया है वो मिलिट्री भेजेंगे कौन से कंट्री है ये सभी को पता था है। लेकिन फिर भी हम याद नहीं करते रिवाइज नहीं करते अपने नोट्स नहीं बनाते वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन मंथली मैगजीन इस तरह के मैप मैं रोजाना दिखा रहा हूँ आपको यदि वो मैप ध्यान से देखेंगे आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान था डोनबास तो मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो चालीस पचास बार तो मैंने पढ़ा है डोनबास यूक्रेन में है रशिया अटैक कर रहे म्यांमार में बहुत बार टिगरे का इथोपिया का इतनी बार डिस्कस हुआ है न्यूज पेपर में मेनी टाइम्स ये देखिए डोनबास रेफरेंडम ऐसे बहुत सारे आए हैं मैंने इतने सारे पढ़े हैं ये न्यूज दो में बहुत बार, बार पढ़ी है टिगरे क्राइसिस इतना आया इथोपिया का अभी भी आया है दो में भी इसका जिक्र आया है नॉट ओनली दो क्वेश्चन थोड़े से है, ये मैं मानता हूं लेकिन इसका मैंने सोलूशन दिया आपको जैसे लाइन टेल्ड मका है है या सांबर डियर है सांबर डर तो अभी ये एनवायरमेंट के हमारे सोलह क्वेश्चन आए हुए दो हजार तेईस इसका दो हजार चौबीस में भी पंद्रह सोलह क्वेश्चन आएंगे और ये सबसे मैं जो है फ्रेंड्स के लिए डिफिकल्ट पार्ट मानता हूँ वो चार पांच क्वेश्चन ही कर पाते हैं ढंग से क्यों क्योंकि ये न्यूज़पेपर पेपर करंट मैसेज ज्यादा आता है वाइल्ड लाइफ की सीरीज में है। अब इसलिए मैं रोजाना अपने वीडियो में दो तीन क्वेश्चन जरूर देता हूं नेशनल इंटरनेशनल एक्ट सब और एक और इसमें बताता हूं आपके मेन का और प्लेमरी का एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट दो हजार तेईस में अमेंड हुआ है एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये एक तीन एक्ट में से एक जो है दस या पंद्रह नंबर का हंड्रेड परसेंट आएगा मेन में और प्रीमरी में एक क्वेश्चन आएगा इनमें से क्योंकि ये तीनों हिस्टोरिक एक्ट है तीनों के तीन अब ये देखिए अभी एक सौ एक सीरीज में इसलिए लेके आया ये जो क्वेश्चन है ये पिछली बार पांच क्वेश्चन आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ पे ये मैं चाहता हूं पांच के पांच हमारे बच्चों में ठीक हो ऐसे सीरीज लेके आया हूँ इतने ब्रिकी से जो ना उसमें से मैंने जो ना निकालता हूँ रोजाना आप देखना अब ये न्यूज में आए पीछे 2022 में या तेईस के शुरू में अभी अप्रैल एक में आया हुआ है मालावर शिविथ लाइन टेल मकाक ये सिंपल सा जो है पूछा नहीं कौन से इनमें नोक्टर्नल है ये क्वेश्चन जब अटैम्प्ट हो सकता है जब हम अपने एनवायरनमेंट की जो मेरी वीडियो ना वो देखोगे आप उसमें मैं मान लिया मैंने तीन घंटे लगा दिया आपको घंटे बच गए ऐसी चीजें हैं उसमें कौन सा नोक्टर्नल है कौन सा डायरनल है किसका प्रीडेटर है सारे जो है बहुत ब्रिकी है जैसे क्वेश्चन पूछे ना पिछले पांच छह साल में वो सारे निकाल दिए मैंने अपने एनिमल सीरीज में अब ये वेगल है, ये डांस डांस है है जो बार बार आता है आपके साइंस पेज में हिंदू के साइंस पेज में जरूर मिलेगा ये हिंदूज में आया है वेगल डांस जो है ये कम्युनिकेशन का इनका साधन है अपना हनी बीज का ये बताती है डायरेक्शन और डिस्टेंस सोर्स ऑफ फूड का दूसरी मक्खियों को क्योंकि ये बड़ा जो है ना सोशल

ऐसे हमारी जो है सौ डेढ़ सौ एनिमल मैं आपके पास जब लेके आऊंगा ना ये सीरीज चल रही है मेरी रोजाना वो एक बार देखो बिल्कुल जो ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपका एक सवाल गलत हो नहीं सकता इतने एनिमल्स लेके आऊंगा आपके पास देखिए कितनी न्यूज आई है इस पर कितनी न्यूज थी और फिर ये बच्चों आप एक चीज देखो ये जितने मैंने क्वेश्चन दो हजार तेईस के आपसे डिस्कस किए हैं क्या कोई आपको सिग्निफिकेंट पैटर्न और ट्रेंड मिला बताइए मुझे तो मिला यस yes. एक ऐसा पैटर्न है ऐसा ट्रेंड है कि एग्जामिनर जो है वो न्यूज पेपर के बगैर यह क्वेश्चन नहीं देता बेस है उसका आपने तो ठीक है जैसे आपका पेपर खत्म हुआ पिछली बार दो हजार तेईस का सारे उनके आंसर बता दिए उससे पहले हमें जो है ना ये तो पता चले ना ये आते अब अब फायदा है अब बताए वो चौबीस दो हजार चौबीस में क्या क्वेश्चन आएंगे कैसे पास होगा कैसे मसूरी जाएंगे अब इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए सबसे पहले यदि आपने फर्स्ट चांस में मसूरी जाना है न्यूज पेपर का क्रिटिकल एनालिसिस मेरे साथ करो मैं तीन चार घंटे करता हूँ आप सिर्फ एक घंटा लगाओ एक घंटा रीडिंग न्यूज पेपर के एलिसिस फिर उसके नोट्स और पंद्रह मिनट जो है ना फिर आप मेरी जो ना डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसके क्वेश्चन नोट करो जैसे रोजाना कर रहे हो आप तो सबसे पहला ये है कि जितना जो है नेशनल इम्पोर्टेंस के इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के जितने न्यूज पेपर में वो जो क्वेश्चन बैंक में यूपीएससी के वो आपके पास है ये मान के चलो यदि आप मेरे साथ चल रहे हैं और सबसे बड़ा फायदा क्या है आपने पिलीमरी क्लियर कर लिया इमीडिएटली आप फिर भागोगे बच्चे भागते हैं भाई तो करंट का मटेरियल लेके आए दुकानों पे पाइल हो रहा है वेस्ट डंप हो रहा है मटेरियल वो सारा निकाल देंगे आपको फायदा क्या है आपने साथ साथ आपने नोट्स बना लिए करंट के इंडो इंडिया मालदीव पे बना लिया इंडिया म्यांमार पे बना लिया रेड सी पे बना लिया ये सारे जैसे मैं रोजाना बताता हूँ क्वेश्चन देता हूँ आपको मेन के वो आपने सिर्फ आंसर कर देनी है शुरू आपने कहीं से मेट्री नहीं लाना उसमें आपका एक है, ये तो है, जी के पेपर में पेपर में क्यों नहीं आते टॉपर के भी से कम आ रहे हैं पेपर में मैंने देखा क्योंकि वो मंथली मैगजीन पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है अब एक और देखिए आप ये करो थ्री देखिए भाई आपने एक घंटे के अंदर जो पढ़ा है ना वो आप जो है पचास परसेंट भूल जाएंगे यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये तो मानते हैं ना मैं जब न्यूज पेपर पढ़ता हूँ ना मैं पांच मिनट के बाद ये भूल जाता हूँ ये न्यूज जो ना न्यूज कौन से पेज पे थी एकदम से देखता हूँ दोबारा मैं इसलिए रेड पेन से निशान लगा लेता हूँ कि मैं भूल ना जाऊं जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना फिर दोबारा से जो ना उनको सारा को दोबारा पढ़ता हूँ क्योंकि रेड पेन से निशान लगा रखे नहीं तो मैं ही भूल जाता हूँ दस मिनट के बाद मैंने कौन सी न्यूज पढ़ी थी ये नेचुरल है नेचर है हमेशा ये ध्यान रखो कि लास्ट वीक में मैंने जो ना लास्ट वीक में क्या रिविजन करना है वो अभी से टारगेट बढ़ाओ चार महीने का कि मैंने 26 मई से पहले वीक में कैसे रिवीजन करना है अपने नोट्स का अब करंट को स्टैटिक से आपने लिंक कैसे करना है देखो न्यूज पेपर में करंट अफेयर्स नहीं है सिर्फ स्टैटिक भी रोजाना कितने आपको अमेंडमेंट बताता हूँ कितने एक्ट बताता हूं कितनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो सारे स्टैटिक जो है ये सारा स्टैटिक ही है तो उसको आपने ये रियलाइज करना है कि मैंने जो है ना स्टैटिक की भी तैयारी कैसे करनी है

आपके दो साल बढ़ा सकते हैं जो आपने चौबीस में क्लियर करना हो उसके छब्बीस में क्लियर कर पाएंगे वो बच्चे जो कोचिंग सेंटर्स में बैठे हैं ना ये मेटेरियल पढ़ते हैं ये मेरी बात को याद रखना मैं एज टीचर बता रहा हूँ फिर रिविजन रिविज़न के बगैर कुछ नहीं है प्रमरी में भी मेन में भी बेस्ट वे टू रिवाइज इज टू रिवाइज योर ओन हैंड रिटर्न नोट्स आपके जो नोट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करते जाओ आपका सब कुछ है सरा कॉन्फिडेंस नहीं है कई बार कॉन्फिडेंस की कमी रहती है

उसके बाद कंसिस्टेंसी भाई कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ये नहीं है एक दिन एक घंटा पढ़ लिए दूसरे दिन पंद्रह घंटे पढ़ लिए नो ये ठीक जिस मैं हमेशा कहता हूँ आपको अपने वीडियो में कि आप जो है आठ दस घंटे जितने आपके अंदर फायर हो गए ना बैली में उतने घंटे ज्यादा आएंगे उतनी इफेक्टिव रीडिंग आएगी उतने इफेक्टिव पेज पढ़ोगे आप अप्रोच फोकस्ड अप्रोच से कोई बात नहीं मन नहीं कर रहा मत पढ़ो स्ट्रेस से मत पढ़ो इंजॉय करो एक आई ऑफिसर है अभी रिटायर हो गए मेरे मित्र थे डॉक्टर डब्ल्यू आर रेड्डी वो जो है हमेशा मुझे कहते थे कि गोयल साहब वही बच्चा निकलेगा जो एंजॉय करेगा स्टडीज को स्ट्रेस नहीं रखेगा तो इसलिए कंसिस्टेंसी विद फ्री माइंड एंजॉय करो इसको न्यूज़पेपर के रीडिंग एनालिसिस मेकिंग नोट्स और आपका रिवीजन और इसी तरह स्टैटिक का ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाओ जो मैं निकाल के लाया ठीक है अब ये देखिए मैं रोजाना तीन से चार घंटे जो आपको एनालिसिस करके क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सारे आप नोट करो वो बड़ी रेलिवेंट न्यूज है जैसे मैंने दो हजार तेईस के दिखाई ना ऐसे मैं जो ना आपको छब्बीस मई के बाद ये सारे दिखाऊंगा दोबारा उन्हें दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया था उस समय आपको ये वीडियो में ये बताया था ये मेरा आपके जो चार पांच क्वेश्चन मेरे थंबनेल नेल से आगे ये ऐसे बताऊंगा मैं आपको देखना तो ये मेरे चालीस साल के तजर्बे का जो चार घंटे तीन घंटे में न्यूज पेपर पर लगा के आपके लिए क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ ये आदतें आपको मैंने डाल दी आइए अब हम जो है छब्बीस मई दो हजार चौबीस का जो फिल्मरी है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और मैं पंद्रह मोस्ट एंटीसिपेटेड क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में आएंगे इतना मुझे पता वो क्वेश्चन बैंक में जरूर है यूपीएससी के और ऐसे मेरे पास हजार से ज्यादा क्वेश्चन है एक हजार से ज्यादा जो आपने सुने नहीं है वो भी मैं लेके आऊँगा आपके आप समय पर लेके आऊंगा चिंता मत कीजिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनके जो आंसर हैं मैं अभी नहीं बता रहा आपको ये कमेंट बॉक्स में आपने देने हैं क्वेश्चन वाइज और तो जितने आपके जो है मैं देख रहा हूँ इतने मैं जॉब भेज रहा हूँ इतनी आपके हजारों मेल आई हुई है कि सर हमें पीडीएफ दे दो हमें सर आगे का ये कैसे करें दुनिया भर के कमेंट बॉक्स में है आपने बिल्कुल चिंता नहीं करनी मैं आपको समय से पहले एक मई से अपनी पूरी कोशिश मेरी जारी है चाहे मुझे पंद्रह घंटे रोजाना देने पड़े न्यूज़ पेपर से ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आऊंगा हज़ार से ज़्यादा ये मेरा वायदा आपसे तो इसलिए आप, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहे मेरे साथ जुड़े रहे और कम्युनिटी पेज पर पे, जहां पे भी जितने भी है ना आपका क्वेश्चन उनको ध्यान से देखा करो टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिटी पे इतने क्वेश्चन डालता हूँ मैं दो नंबर दे सकते हैं आपको दो नंबर का मतलब आपका एक साल बच सकता है एक साल पहले आप डिप्टी कमिश्नर लग सकते हैं अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे जो मैं समझता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एक और बता दूं आपको दो हजार तेईस से मुश्किल आएगा पेपर ये मेरी बात को याद रखना मैं दोबारा रिपीट करूंगा अच्छा छब्बीस मई के बाद मुश्किल नहीं है वो अनकन्वेंशनल है क्योंकि न्यूज पेपर के पांच क्वेश्चन बढ़ा दिए मुश्किल हो गया पहला क्वेश्चन देखिए तमपारा लेके मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ आपके करंट में एनवायरमेंट से आएगा ये क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए आप ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसने ऑर्डर किए टू स्टॉप इलीगल कंस्ट्रक्शन इन टमपारा लेक यहाँ पे वो क्या क्वेश्चन देगा एग्जाम yes, फिर रामसर साइड आइए उड़ीसा में फ्रेश वाटर लेक है साल्ट वाटर लेक नहीं है कितनी ब्रिकिश से मैं इसको निकाल के लाया न्यूज पेपर से क्लियर लिखा हुआ है बारह अगस्त को आया हुआ है जब यह क्वेश्चन आएगा इसको आप मोस्ट डिफिकल्ट बताएंगे जो बच्चे कोचिंग में बैठे हैं वो इसको मोस्ट डिफिकल्ट है उनके लिए ये क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन देखिए कितना है? पे आया हुआ है उसी तरह से जो एंटीबॉडीज होती है ना जो हम एनिमल में से लेते हैं वैसे होते हैं ये सिर्फ लैब में बनाइए प्रोटीन है वही काम करेंगे हमारा ये निपा वायरस में ना आर्टिकल आया है निपा के जब इतने सारे आर्टिकल आए हैं हिंदू में साइंस पेज पे और उस एंटीबॉडीज का नाम पूछ लेंगे मोनोक्लोनल का क्या नाम है आपको नहीं पता एम वन जीरो फिर ये पूछ सकते हैं ये दोनों वायरस बैट बोर्न वायरस है आर एन ए वायरस नहीं है कैसे कैसे क्वेश्चन निकालता हूँ मैं देखिये एक्सपीरियंस से आते हैं भैया साउथ चाइना शीप है कम से कम पचास न्यूज आई है साउथ चाइना सी के कौन से कंट्री बॉर्डर कर रहे हैं मैंने इसमें लिखी दिया है फिर जो है फिलीपाइन और चाइना का कौन से शोल पे डिस्प्यूट है जापान का कौन से पे है सौरवर जैसे ये ताइवान का मतलब इतनी न्यूज आने के बाद हमारा क्वेश्चन गलत होता है ना नाइन डैश नाइन इसका मतलब हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे इसमें से जब न्यूज पेपर में से दिया आपने पढ़ लिए तो कोई गलत होने का कम से कम मैंने चालीस पचास सवाल निकाले इसके अपनी वीडियो पिछली वीडियो पिछली मेरी देखो तो रोजाना आते और इस तरह के नक्शे मैं रोजाना लेके आ रहा हूँ न्यूज पेपर के भी और अलग से भी कितने का अब ये पाराशल आइलैंड कितनी बार डिस्कस हो चुका है, चुक है ये डिस्प्यूटेड है दूसरे जो साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें से इतने क्वेश्चन निकाले मैंने अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे देखिए कहा आपको कंफ्यूज करेगा यूपीएससी का पेपर सेटर जो लॉस एंड डैमेज फंड है अनाउंस कब हुआ -27 में इजिप्ट में ऑपरेशन कब हुआ -28 में फिर मोस्ट कौन है इसका कौन इस फंड को जो ना लॉन्च ऑपरेशन uh, करेगा वर्ल्ड बैंक कितनी इंपॉर्टेंट है कौन कौन से कंट्री इसमें कंट्रीब्यूट कर दिया है ओप ट्वेंटी ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ मैथोलॉजी क्या है

गया है जहां पर हमारा हिमाद्री है नॉर्वे में स्वेलबार्ड इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं वो क्वेश्चन निकाले हैं जो आप सोच ही नहीं सकते मैंने तो ये भी बता दिया नेश जो पोलर बियर है उस पर निकाल दिए ये थ्रेट है इन्होंने गन की ट्रेनिंग नहीं ली इस बार जो गए हैं ना हमारे साइंटिस्ट उससे पहले गन की ट्रेनिंग दी जाती थी इनको पहले यहाँ गन चलाने की क्योंकि वहाँ पोलर बियर के थ्रेट है ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं में आप ये पढ़ते रहोगे हिमाद्री का वो क्वेश्चन दूसरे निकाल देगा ऐसे जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए क्या स्टडी करेंगे ये और कब जो है क्यों विंटर एक्सपेक्टेशन भेजा पहले समर में में भेजे हैं ये सारे बड़ी क्वेश्चन आप आगे देखते रहेंगे ये देखिए ये हमारे पांच साइंटिस्ट दिखाए हैं अलग अलग जो ना इंस्टीट्यूट से हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं कुछ साइंटिस्ट हैं ये सारा जो है मैंने क्वेश्चन निकाल दिया सर अब ये रेड सी पे एक क्वेश्चन आएगा आपका औथीज पे रेड सी की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये मेन का भी मैंने बनाया है एक मॉडल आंसर आपको लिख के दिया है प्रिलिमरी में भी इसके एक या दो क्वेश्चन आएंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे बाब एल मंडप मैंने इतनी बार दे दिया आपको मैप में दिखाया है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन इस पर कितने क्वेश्चन में लेके आया हूँ यू एस ऑपरेशन है हथिज को कंट्रोल करने का रेड सी में ये पूरा वर्ल्ड जो है इससे अफेक्ट हो रहा है रेड सी में जो हथिज की प्रॉब्लम आई है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है प्रिलिमरी मेन के लिए आप सारे आपने जो है नोट कर न्यूज पेपर से ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी न्यूज है और ये देखिए मिलिटेंट के ग्रुप हैं डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो सारे मैं निकाल के ले आया हूँ हम आज कहाँ पे है ऑथिस हिजबुल्ला ये ईरान बेल्ट है हिजबुल्ला लेबनान में है बोकोरम नाइजीरिया में है। ऐसे बहुत सारे मैं जो है अपनी वीडियो में देता हूँ आपको फ्रंट पेज में अब ये जैसे ये दे दिया डेफेंट क्या है डी एफ आई ए एन टी आप कन्फ्यूज हो जाओगे यदि आप पढ़ा न्यूज पेपर आप एंटार्टिका का है आर्टिक का है कन्फ्यूज है

सरकार हमारी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्री मूवमेंट रिजन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार के बीच में खत्म करने जा रही है और वहाँ जो है जो बॉर्डर पे जो समस्याएं आ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको खत्म करने जा रही है इसलिए ये बार बार अंजाम में आएगा आपके प्री में भी और मेन में भी अब ये क्या है किलोमीटर तक फ्री मूवमेंट की हुई है सिर्फ बॉर्डर पास लेने पड़ते हैं उसमें वीजा की जरूरत नहीं है इंडियन सिटीजन है म्यांमार से जो सिटीजन है वहाँ के इतनी कहें चीन है वहां पे हमारे यहाँ जो है मिट्टीज नागाज उनके साथ उनके इथनिक जो है रिलेशनशिप है इसलिए ये किया हुआ था फ्रेंडली रिलेशनश में किया हुआ था अब सबसे नार्कोटिक की इमिग्रेशन की और मिलिटेंट्स की ट्रांसपोर्टर जो प्रॉब्लम आने लगी उसके बाद ये बंद करने जा रहे हैं तो ये आपने अब दो वीक तक वो ठहर सकते थे क्या है एफ ये सारा आपने मैंने बार बार जो है अपनी वीडियो में बताया रेड सी का मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन बड़ा मुश्किल आएगा मुश्किल अनकन्वेंशनल आएगा ये नहीं है ये पूछ लिया जो है यमन में है ये नहीं पूछेंगे आप मुश्किल क्वेश्चन डालेंगे कि भी अब ये पूछेंगे इंडिया का जो है जो रशिया से क्रूड ऑयल है कौन से रूट से आ रहा है नॉर्थ से से सी से आ रहे हैं है? नीदरलैंड हमारे से जो ना बिगेस्ट इंपोर्टेंट डिफाइंड फ्यूल का इंडिया का सुमेद पाइपलाइन क्या है ये सारे उससे रिलेटेड है पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ इसमें कम से कम चालीस पचास क्वेश्चन है मेरे पास जो आपको नहीं आते जो आप सोच नहीं सकते अब ये क्वेश्चन नंबर टेन मैं इसलिए लेके आया आऊटीओ पे अभी कई साल से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या आप एमएसपी में जो सब्सिडीज दे रहे हैं फार्मर्स को जो बेनिफिट दे रहे हैं वो बंद करो ये डेवलपिंग कंट्रीज का मिनिमम सब्सिडी जो फिक्स की ज्यादा मत दो ये सारा आपने आर्टिकल से जैसे आर्टिकल बहुत सारे आए इस डब्ल्यू टी ओ पे

नोट्स में जो ये मार्केट में मिलती लेकिन इस तरह से नहीं मिलेगा जैसे मैंने क्वेश्चन निकाले हैं आर्ट कंट्री इनका क्वेश्चन और अमेजोन तो रे उनके माउथ पे तो ये इंपॉर्टेंट है तो देखिए क्वेश्चन मैंने इसमें लिख भी दिया इसलिए मोटे अक्षरों में लिखा है ये एग्जाम में आएगा ग्यारह आठ को न्यूज आई है ये न्यूज आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे वो क्वेश्चन एक स्टेटमेंट फिर भी रह जाएगी देखिए आपके क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं

ये बहुत बड़ी जो है रिसर्च हुई है जीन थेरेपी की वर्ल्ड की सबसे बड़ी दो की मैं दो कोई इन्वेंशन मानता हूँ ये सबसे बड़ी मानता हूँ सिकल सेल डिजीज फिर ये जेनेटिक डिजीज है उनकी जो जीन थेरेपी से क्योर हो सकती है क्योंकि तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है स्टेम सेल से जो थेरेपी कर रहे हैं ना वो है इंडिया में अभी लेकिन ये अभी कॉस्टली है इट्स ए वेरी गुड थेरेपी नई रिसर्च चाहिए वो यूपीएससी एग्जाम में यही क्वेश्चन पकड़ेगा किस गए सबसे पहले किसने दी यूके ने उसके बाद इसके बाद कैसगेवी को भी और दूसरी लिफजेनिया यूएस ने क्या किया चार स्टेटमेंट देनी है कैसगेवी पूछ ली और लिफ्जेनिया पूछ लिया कौन सी डिजीज के लिए है कौन सा जीन को इस्तेमाल करेंगे जीन एडिटिंग टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे क्रिसन लिफजेनिया में अलग है इसमें जो ना कौन सा जीन को जो ना वो डिसेबल करेंगे बी सी एल इलेवन ए SGV में बी सी एल क्लियर लिखा है न्यूज़ में ये आर्टिकल मैंने बहुत अच्छा किया है एडिटोरियल में, में।, में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन ले रहा हूँ हालांकि ये क्वेश्चन मिलता जुलता आ सकता है इससे सेंचुरी पे नेशनल पार्क पे आएगा ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था क्वेश्चन कि ये पूछ लेते हैं कि कौन सी रिवर पे है साउदपुत्र रीवर पे है वो भी ग्रेट वन हॉर्न मैंने इस पर एक वीडियो ही बना दी आपके लिए ऐसी जो है एनवायरमेंट की सीरीज में मैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एक वीडियो लेके आऊंगा कौन सी नदी जा रही है कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है कौन सा जो है बॉर्डर जो है किस किस स्टेट का बॉर्डर लगता है किस कंट्री का बॉर्डर लगता है उससे भूटान का लगता है या म्यांमार का लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बरीकी से यह क्वेश्चन आएगा क्यों आएगा ये यह क्वेश्चन इसलिए आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार न्यूज आ रही है पटीशन है कंजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच बैठा हुआ है इस पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और मैंने इस पर पूरी वीडियो बना दी एक और ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो आप सोच नहीं सकते अब एग्जामल क्या है आपने सिर्फ ये देख लिया अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सी सेंचुरी में है गुजरात के कौन से राजस्थान कौन से और ये भी आपने याद कर लिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है स्टेट एनिमल लेकिन ये नहीं आपने देखा ये गुलर पोच होती है जिससे जो है मीटिंग की कॉल देता है फीमेल को ये नहीं आपने नोट किया कभी मैं ऐसी सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके सामने रोजाना रोजाना डिस्कस कर रहा हूँ आपसे ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट न्यूज है एनिमल भी आपने देखना है जैसे एनिमल है ना वो जरूर देखना है आपने उसे याद रह जाएगा इतनी बड़ी न्यूज आई है ये ऐसी ऐसी कितनी न्यूज आई है न्यूज पेपर में ये क्यों नहीं एग्जाम में आएगा अब ये क्वेश्चन देखिए स्पेस से स्पेस से मैंने एक क्वेश्चन निकाला है चंद्रयान तीन आदित्य एलवन और एक्सपोसेट इन में से एक या दो क्वेश्चन आएंगे अब सुन लो क्वेश्चन कैसे आएंगे जैसे आप चंद्रयान थ्री का तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे साउथ पोल पे जाने वाला पहला कंट्री हो गया मून इसलिए इंपॉर्टेंट है नेशनल स्पेस डे अगस्त तेईस को जैसे वो लैंड किया है वहां पे प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया इतना इंपॉर्टेंट है शिव शक्ति पॉइंट बना दिया उसको अब ये शिव शक्ति जब आएगा ना आप कन्फ्यूज कर जाओगे

अब ये इसमें से दो तीन पॉइंट मैंने निकाल एक तो सबसे पहले न्यूज पेपर का मेरी तरह से करना आपने यदि फर्स्ट पोजिशन लेनी है इंडिया में और मेरे साथ करना है लेकिन आपने एक डेढ़ घंटा देना है बस मैं तीन चार घंटे दूंगा उसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं रोजाना जैसे आप बना रहे हैं अब मुझे आप मेल पर भेजते हैं लिख के फिर आपने क्रिटिकल क्वेश्चंस जो मैं निकाल रहा हूँ रोजाना मेरे साथ निकाल रहे हैं आप भी निकाल रहे हैं मेरे से एक्स्ट्रा भी निकाल रहे हैं यही एक जो है दिस इज द ओनली शोर शोर्ट वे टू गो टू वासना में प्रिय बच्चों मैंने अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा जो है शिक्षा को दिया है और अभी भी दे रहा हूं मेरी पूंजी ये है कि मेरे छात्रों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो टॉप तो पोजीशंस पे आए और डिस्ट्रिक्ट में जब ये डिप्टी कमिश्नर हो गए तो मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती उनके सपने पूरे हों आपके आपके परिवार के सपने पूरे हों लेकिन वो कब पूरे होंगे जब राइट अप्रोच होगी मेरी सारी जो है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से चलो अब आप नवंबर, दिसंबर जनवरी ये मेरी वीडियो सारी आ गई करीब करीब वो सारी वीडियो आप खत्म करते चलो उनको सारों को देखो अच्छी तरह से उनके कोशिश देखो उनको बड़े सिंसियरली करो उनके क्वेश्चन को फिर उनको रिविजन करो उसके बाद मेरे जो जितने क्वेश्चन टेलीग्राम पर डालता हूँ मैं जितने क्वेश्चन में कम्युनिटी पर डालता हूँ उनको सोल्व करो ये डिस्कशन का पेपर है और इसके बाद आप ये देखना डिफरेंस देखना जो मेरे जो है जितने भी बच्चे होंगे प्रेम तक मान लिया दस हजार बच्चे होते हैं उनमें और जो ग्यारह लाख बच्चे हैं उनमें डिफरेंस देखना आप छब्बीस मई को उनका कॉन्फिडेंस और इनका कॉन्फिडेंस का फर्क देखना फिर मेन में देखना करंट अफेयर्स का आपके एक नंबर में आपको दिक्कत नहीं आएगी जीएस के पेपर में यहां भी मैं आपको बता रहा हूँ यदि इस्ट्रेटी से आप चलेंगे एक मार्क्स भी आ सकते हैं स्टैटिक में भी ये आपने वो रखनी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे इस वीडियो के बाद अपनी फायर अपनी जो बैली में और बढ़ाएंगे कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क से इंजॉय करेंगे स्ट्रेस नहीं रखेंगे और ये टारगेट रखिए सारे बच्चे आपके बराबर आज ग्यारह लाख बच्चे आप सारे बराबर चल रहे हैं इसी को कुछ नहीं पता इसका परिणाम होगा टॉपर को भी नहीं पता लेकिन जो ये बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं इनको पता है मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके एक प्लस आएंगे और प्रमरी में भी आप जो है यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स थैंक यू वेरी मच